दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों LNIP की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कुछ गाइडलाइंस आई हैं। क्या गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, किस तरह से लॉग इन करना है, सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल कॉमन है। आप खुद भी एक बार इसे डाउनलोड करके PDF को ज़रूर पढ़ें, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने ये PDF डाल दी थी जिस समय ये नोटिफिकेशन आया था। तो चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पार्ट ए में। इसमें कहा गया है पॉइंट नंबर 1 में, एज अ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट ऑफ द एग्जाम यू कैन टेक द एग्जाम फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम ऑन एन ऑनलाइन मोड। मतलब आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आप घर से ही दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है, टू टेक द एग्जाम यू विल नीड अ कंप्यूटर और लैपटॉप विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। मतलब आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक कंप्यूटर की या लैपटॉप की जिसमें अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और इसके साथ साथ पावर बैकअप भी होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लेते हैं आपका लैपटॉप है वो इतना चार्ज हो कि कम से कम अगर आप BPET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 60 मिनट्स तक वो चल जाए, या आप डेस्कटॉप पर दे रहे हैं तो आप UPS होना चाहिए उसके साथ, या इन्वर्टर तो होना ही चाहिए। कभी कई बार हो जाता है लाइट चली जाती है तो अचानक ही मतलब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ नहीं होनी चाहिए, है ना। उससे आपका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से लॉग आउट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आगे भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। और पॉइंट नंबर 2 में एक चीज़ और कही गई है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू टेक द एग्ज़ाम वाया लैपटॉप और डेस्कटॉप डिवाइस फॉर द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ एग्ज़ाम टेस्ट स्क्रीन। ये कहा गया है कि जो आप एग्ज़ाम देंगे वो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही दें। यहाँ पर जोर देकर कहा गया है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही दें आप। क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए कई बार जब हम मोबाइल डिवाइस से देते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार हमारा लॉगिन नहीं हो पाता या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। तो रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप लैपटॉप या उस पर ही दें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप साइबर कैफ़े पर भी जाकर दे सकते हैं, या कहीं से अगर आप अरेंज कर सकते हैं, किसी रिलेटिव के पास है, कोई फ्रेंड है, तो आप ले सकते हैं थोड़े समय के लिए जब भी आपका एग्ज़ाम हो, है ना। तो कोशिश करें, आप पूरी कोशिश करें कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही दें। वो दूसरी सिचुएशन है कि मतलब कहीं से बिल्कुल अरेंज नहीं कर पा रहे आप, कोई साइबर कैफ़े भी नहीं है जहाँ नहीं जा पा रहे आप, तो वो डू और डाई वाली सिचुएशन है कि आप अपने मोबाइल पर दें, है ना, नहीं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही दीजिएगा दोस्तों। थर्ड पॉइंट में टाइमिंग के बारे में बताया गया है, शिफ्ट फर्स्ट की टाइमिंग 10 AM होगी, शिफ्ट सेकेंड की टाइमिंग 1 PM होगी, और थर्ड शिफ्ट की टाइमिंग 4 PM होगी। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होंगी दोस्तों, जो पिछला नोटिस आया था जिसमें शेड्यूल दिया गया था उसमें ये सारी चीज़ें थी टाइमिंग के बारे में। थर्ड पॉइंट में एक चीज़ और कही गई है कि जो आपका एग्ज़ाम टाइम होगा उससे 15 मिनट पहले आप अपना कंप्यूटर वगैरह सब कुछ ऑन करके ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब कुछ पढ़ लें। उसके आगे कहा गया है फोर्थ पॉइंट में, एट द एंड ऑफ अलॉटेड टाइम द एग्ज़ाम विल गेट आउट सबमिटेड इन केस यू फेल और फॉरगेट टू सबमिट द एग्ज़ाम। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि मान लेते हैं आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए, जैसे BPET का 60 मिनट्स का है और MPET का 120 मिनट्स का है, तो जो भी कोर्स है आपका BPET MPET इनसे अलग जो भी कोर्सेज हैं, मान लेते हैं आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए या 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए, लेकिन आपने सबमिट नहीं किया, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं BPET में 60 क्वेश्चन हैं, आपने 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए लेकिन आपने सबमिट नहीं किया, तो जब आपके 60 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है, द क्वेश्चंस विल बी इन मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट, MCQ टाइप में क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ आपको पता ही होगी। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ और यहाँ भी ये चीज़ बताइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई क्वेश्चन छोड़ दें मेरे पे आता नहीं है, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर बिल्कुल नहीं आता तो भी आप अक्कड़ बक्कड़ करके लगा दीजिए उस पर, है ना, तो हो जाएगा वो जैसा भी होगा। और ये भी कहा गया है, नो मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, इसे ध्यान से समझिएगा, ड्यूरिंग द एग्जाम इफ़ योर इंटरनेट कनेक्शन गेट्स इंटरप्टेड द एग्जाम विंडो विल क्लोज एंड यू विल नॉट बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइमर विल स्टॉप देन एंड देयर। कहा गया है कि मान लेते हैं आप एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन बीच में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही, मान लेते हैं इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आपका, क्योंकि होता है बहुत से मतलब कोई रिमोट एरिया में रह रहा है जहाँ पर इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं आती, अब एग्ज़ाम देते देते अचानक ही
इंटरनेट की स्पीड बहुत बेकार आई और आपका क्या हुआ, लॉग आउट हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। तो डिसकनेक्ट होते ही क्या होगा, आप जिस भी क्वेश्चन पर थे और जो भी आप जितना भी आपका टाइम चल रहा था वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। इसमें कहा गया है पोस्ट एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी एंड री लॉगिन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू फ्रॉम द सेम क्वेश्चन व्हेन यू गॉट डिसकनेक्टेड। वही चीज़ कि आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। और आगे एक एग्जांपल से समझाया है कि मान लेते हैं कि 10 मिनट्स हो गए, आप एग्ज़ाम दे रहे थे, आपके 10 मिनट्स पूरे हो गए, आप क्वेश्चन नंबर 15 पर थे। अब क्या हुआ, आपका डिसकनेक्ट हो गया क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपका जितना टाइम हो चुका था उसी टाइम से के आगे से शुरू होगा। जैसे 10 मिनट आपके पूरे हो चुके थे तो 10 मिनट के टाइम पे ही आपका एग्ज़ाम दोबारा से लॉगिन होगा, तो वहीं से टाइम शुरू हो जाएगा जहाँ ख़त्म हुआ था, और जिस क्वेश्चन पर थे आप उसी क्वेश्चन से शुरू होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर कि क्वेश्चन नंबर 15 पर थे अगर आप, तो 15 से ही शुरू होगा। जिस पर भी होंगे, मान लेते हैं आप 25 पर थे तो क्वेश्चन नंबर 25 से ही शुरू होगा। ठीक है, उसके आगे है पॉइंट नंबर 7, द एग्ज़ाम इज रिमोटली मैनेज्ड एंड हेंस देयर वुड बी नो असिस्टेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम रिमोटली मैनेज किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको जैसे एग्ज़ाम हॉल में कुछ लोग देखने वाले होते हैं, तो इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, रिमोटली मैनेज किया जाएगा। काइंडली एनश्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट बैंडविड्थ, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, एंड योर UPS और लैपटॉप बैटरी इज चार्ज्ड इनफ टू लास्ट द 60 or 90 मिनट्स। आपका जो लैपटॉप है वो इतना चार्ज होना चाहिए, या आपका जो UPS है डेस्कटॉप के लिए वो भी कम से कम इतना चार्ज होना चाहिए कि 60 मिनट्स या 90 मिनट्स जितना भी आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है उतनी देर चल सके। प्लीज़ एंश्योर दैट ऑल योर डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस आर टर्नड ऑफ, जितनी भी आपकी डेस्कटॉप की नोटिफिकेशंस हैं वो सारी आप टर्न ऑफ कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हमारे लैपटॉप में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहता है, तो वो सब कुछ टर्न ऑफ कर देना है आपको। या जब हम इंटरनेट खोलते हैं तो कई बार नोटिफिकेशन आ जाती हैं, तो उन सबको आपको टर्न ऑफ कर देना है, सो दैट यू डू नॉट गेट लॉक्ड आउट। क्योंकि अगर इस तरह से कुछ होता है, कोई नया टैब आप खोल देते हैं, तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम। देर विल बी नो सेकेंड चांस प्रोवाइडेड, अगर लॉक्ड आउट कर दिया गया आपको तो सेकेंड चांस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको दूसरा टैब नहीं खोलना जिस समय आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल में आप एक और टैब खोल के बराबर में सोचे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है मैं सर्च कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल, है ना। पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट द प्रीवियस सेव्ड आंसर और अन अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर एक बार आपने कोई क्वेश्चन पर टिक कर दिया और आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो अब आप उसे दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने टिक भी नहीं किया, बगैर मतलब ऑप्शन पे टिक करे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो भी आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको लगा कि इसका राइट आंसर सी है, आपने सी पर टिक कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो अब क्या है, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं कर सकेंगे कि पहले सी करा था तो अब चेंज करके मैं बी कर दूं, ऐसा नहीं कर सकेंगे आप, है ना। हाँ, आप बैक जाकर देख सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आंसर क्या किया था या क्वेश्चन 5 का आंसर मैंने क्या किया था, ये आप देख सकते हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि भाई मैंने सही करा है या गलती से मैंने दूसरे पे टिक कर दिया, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद नीचे पार्ट बी में स्क्रीन बाय स्क्रीन गाइड बताई गई है कि आपको एग्ज़ाम को कैसे एक्सेस करना है, मतलब किस तरह से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, एंटर द प्रोवाइडेड लिंक इन वेब ब्राउज़र। आपको जो लिंक भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, उस लिंक पर क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस वाले पेज पर जो जिस पर भी आपका एग्ज़ाम होना होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि गूगल क्रोम रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई गूगल क्रोम आप यूज़ करें तो वो बेटर है, बजाय इसके कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स या इस तरह के जो भी दूसरे वेब ब्राउज़र हैं उनके बजाय आप गूगल क्रोम यूज़ करें। द ब्राउज़र मस्ट बी जूम सेट टू 100%। आपका जो ब्राउज़र है वो 100% जूम होना चाहिए। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, उसे पूरा फुल जूम नहीं करते, छोटे से स्क्रीन में कर देते हैं बॉक्स की तरह, आपको पता होगा, तो उस तरह से नहीं करना, 100% जूम होना चाहिए। उसके बाद है स्टेप नंबर 2, एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड शेयर्ड इन द ईमेल। आपको एक ईमेल जाएगी जिसमें यूज़र नेम और आपका पासवर्ड होगा, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो वहाँ पर डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा, तो उसके बारे में कहा गया है
कि यूज़र नेम होगा आपका रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा और पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या होगा, डेट मंथ और ईयर ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है, डेट पहले डालनी है आपको, फिर मंथ, फिर ईयर। एडमिट कार्ड से रोल नंबर आपको मिल ही जाएगा। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल हो जाएंगे, 14 या 15 सितंबर से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आप 18 तक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ तो आपको वहाँ से मिल जाएगी रोल नंबर। यहाँ पर नोट है, फॉर मॉक टेस्ट एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड एंड यूजर नेम विल रिमेन एज योर एप्लीकेशन नंबर विच यू कैन सी एंड प्रिंटेड ऑन योर MP ऑनलाइन फॉर्म रिसीप्ट। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका कल मॉक टेस्ट होना है, कल 13 सितंबर है ना, तो कल आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसके लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड की जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है जो आपका 19th और 20th में आपका एग्ज़ाम होना है, मेन एग्ज़ाम। जो कल मॉक टेस्ट होना है उसके लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो कल आपको कैसे लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के लिए कल आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा, आपने जो फॉर्म फिल करा होगा उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा दोस्तों। तो आपने अपने मोबाइल में उसकी PDF सेव कर रखी होगी या प्रिंटेड फॉर्म में होगा, जैसा भी होगा आपके पास, उससे आप लॉगिन कर सकेंगे जो कल का मॉक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, और उसके नीचे एक इंटरफेस दिखाया गया है कि जब आप पार्टिसिपेंट लॉगिन, कुछ इस तरह से होगा, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह से होगा, जो लॉगिन है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ एरो भी जा रहा है ना। उसके बाद है थर्ड स्टेप, ऑन सक्सेसफुली लॉगिंग इन यू विल सी योर नेम ऑन द पार्टिसिपेंट डिटेल्स टैब, प्लीज क्लिक ऑन द ऑनलाइन एग्जाम टैब टू व्यू द एग्जाम लिंक। आपको क्या करना होगा थर्ड स्टेप में, अब आपने लॉगिन तो कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आपको जो पार्टिसिपेंट डिटेल्स होंगी उसमें आपको अपना नाम लिखा हुआ दिखेगा, तो इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई मैंने सही लॉगिन किया है, अपना ही लॉगिन करा है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एग्जाम टैब पर क्लिक करना होगा, वहाँ पर आपको एग्जाम लिंक मिल जाएगा। स्टेप 4 में बताया गया है, अंडर ऑनलाइन एग्जाम द एग्जाम विल अपीयर अंडर द नेम करंट, क्लिक ऑन द लॉन्च लिंक टू स्टार्ट द बटन। अब ये आप देख सकते हैं लॉन्च लिखा हुआ दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में जहाँ पर एरो जा रहा है, और आपको लॉन्च बटन पर क्लिक कर देना है। लॉन्च बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें पॉपअप ब्लॉकर इनेबल हुआ रहता है, तो उसमें आपको क्या करना है, लॉन्च जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें पॉपअप ब्लॉकर जैसा कुछ डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स, इस पर आपको टिक करके डन कर देना है, और डन करने के बाद आपको दोबारा से लॉन्च पर क्लिक करना है। उसके बाद है 6th step, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, टिक द चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन आई एम रेडी टू बिगिन। अब 6th step क्या है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, उन्हें आपको पढ़ना है, और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एग्ज़ाम विंडो खुल करके आ जाएगी। वो किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तो इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट वे द, और फिर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, और फिर वन बाई वन आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है जहाँ अभी एरो गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये बॉक्स देख रहे हैं आप जहाँ पर मेरा एरो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पर ऊपर आपकी टाइमिंग चल रही होगी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, तो कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। ठीक है, और फिर नीचे यही सब बातें लिखी हुई हैं, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 answer options, 4 options होंगे, टू सेलेक्ट आंसर क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ द ऑप्शन ऑफ योर चॉइस, आपको क्लिक करना है जो भी आपको सही लग रहा है, टू चेंज योर चोजन ऑप्शन क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ एनी अदर ऑप्शन, और यू कैन क्लिक ऑन द क्लियर रेस्पॉन्स। जैसे मान लेते हैं 4 options दिए गए हैं, अब 4 options में से आपने बी पे क्लिक कर दिया, अब आपको लगता है कि नहीं सी सही है, तो सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आप उसे बी को सी कर सकते हैं या सी को बी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, बी के बजाय सी पर क्लिक कर देना होगा, अगर आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग बी के बजाय सी सही है ना। लेकिन अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में बताया गया है, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बात। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है, यू कैन नॉट गो बैक टू अ क्वेश्चन आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन और लेफ्ट एंड अनअटेम्प्टेड, दैट इज आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन। वही चीज़, आप अगर एक बार सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो आप दोबारा से उसे रीअटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने इसका आंसर क्या किया है, ए करा है या बी करा है या सी करा है या डी करा है, बस देख सकते हैं आप। और यहाँ पर कहा गया है सेव एंड नेक्स्ट के बारे में, कहा गया है यू शुड क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन आफ्टर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना ही करना है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और कहा गया है यू कैन गो बैक टू अर्लियर
read instructions, but you cannot edit or change the selected option or left unattempted. वही चीज आप क्वेश्चन पर दोबारा जाकर उसे रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते. सबमिट के बारे में बताया गया है, आफ्टर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस यू शुड क्लिक ऑन द सबमिट बटन. जब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, 60 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस जितने भी आपको उसमें आने हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है. ऑन क्लिकिंग ऑन सबमिट अ समरी स्क्रीन विल अपीयर शोइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड. जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक समरी खुलकर आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं. प्लीज क्लिक ऑन यस और ओके टू प्रोसीड. आपको क्या करना है, यस या ओके जो भी लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक कर देना है फर्दर प्रोसीड करने के लिए. इफ यू डू नॉट क्लिक ऑन सबमिट बटन एट द एंड ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम द एग्जाम विल बी ऑटो सबमिटेड. वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आप सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो क्या होगा, टाइम पूरा होने के बाद वो ऑटो सबमिटेड हो जाएगा. ठीक है, और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा. डू नॉट क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्लियर रेस्पॉन्स एंड प्रीवियस बटन्स. दोस्तों ये कुछ बटन्स होते हैं, अगर आपने अब से पहले कभी ऑनलाइन इस तरह का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, जिन लोगों ने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया है उन्हें पता होगा इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लेकिन आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि भाई जब मेरे पूरा पेपर कर लूँगा तो इन्हें मैं दोबारा से रिव्यू करूँगा. तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. क्लियर रेस्पॉन्स ये भी यहाँ पर नहीं होगा, और प्रीवियस बटन्स ये भी यहाँ पर नहीं होगा. दोस्तों एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, नेक्स्ट दोबारा से आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे. लेकिन उनमें क्या था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने एंट्रेंस दिया होगा या NTA के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे UGC नेट वगैरह, JEE नीट जो कुछ भी होता है, उन सब में ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा दोस्तों, है ना. इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए भाई आप घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ क्या होता है NTA जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ है BSc BPED MPED IIPS का, तो आपने सेंटर पर जाकर दिया है, तो वहाँ क्या है मतलब चीटिंग नहीं कर सकते आप. लेकिन यहाँ क्योंकि आप घर पर ही दे रहे हैं तो थोड़े से मतलब कोई सोच सकता है कि हाँ भाई मैं चीटिंग कर सकता हूँ, तो ये चीज़ इसलिए हटा दी गई है और इसके पीछे कोई दूसरा रीज़न नहीं है. और दोस्तों नीचे एक इंपॉर्टेंट बात और कही गई है, यू शुड ओनली यूज़ द कंप्यूटर माउस टू नेविगेट थ्रू द स्क्रीन सेलेक्ट द आंसर्स. आपको क्या करना है, जब आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं, जैसे ही मान लेते हैं आपका एक बार पेपर शुरू हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माउस का यूज़ करना है, कीबोर्ड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना. दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड का यूज़ आपको कहाँ करना है, आपको सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना है जिस समय आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, सिर्फ उस समय यूज़ करना है. उसके बाद टोटली जो भी आपका काम होगा वो माउस से ही करना है आपको. ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. ये कुछ गाइडलाइंस थी जो LNIP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई थी, आप इसे एक बार डाउनलोड करके खुद भी पढ़ लीजिएगा. मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है और टेलीग्राम पर भी मैंने इसे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एक लास्ट चीज़ दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इन गाइडलाइंस के आने से पहले कई लोगों के मन में बात चल रही थी, मुझे भी लग रहा था ऐसा, कि क्योंकि घर पर ऑनलाइन टेस्ट होना है तो ये प्रॉक्टर टेस्ट होगा. प्रॉक्टर टेस्ट का मतलब कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन होगा, जैसे आप लैपटॉप पर दे रहे हैं तो लैपटॉप का जो वेबकैम होता है वो ऑन होगा, या दूसरी जिस भी डिवाइस पर आप दे रहे हैं तो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन होगा. लेकिन दोस्तों ये जो गाइडलाइंस आई हैं इसमें तो इस तरह का कुछ है नहीं कि आपका प्रॉक्टर टेस्ट होगा. इट मीन्स के फ्रंट कैमरा ऑन होने जैसा तो कोई सिस्टम शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो इस गाइडलाइन में उसके बारे में भी ज़रूर बताया जाता कि भाई आपको अपना फ्रंट कैमरा ऑन करना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों. और अगर ऐसा कुछ होता है तो कल जो आपका मॉक टेस्ट होना है उसमें ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि फ्रंट कैमरा ऑन होगा या नहीं होगा. लेकिन क्योंकि देखिए गाइडलाइंस में नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा, सीधी सी बात है. और दोस्तों कल के मॉक टेस्ट के लिंक के लिए अपनी ईमेल चेक कर लीजिए, आप सभी की ईमेल पर मॉक टेस्ट का लिंक पहुंच चुका है. दोस्तों जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ईमेल पहुंच चुकी है, कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि ईमेल आ गई है, तो आपके पास भी आ गई होगी ईमेल, चेक कर लीजिए दोस्तों. तो कल आपका मॉक टेस्ट है, अभी आपको ये गाइडलाइन सुन के हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आया हो कि ये क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, वही सब कुछ करना है हमें, और कुछ भी नया नहीं है इसमें. आप जब एक बार ऑपरेट करना शुरू करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा ये तो इतना आसान था. और कल जब आप मॉक टेस्ट देंगे दोस्तों तो उसके बाद तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. और मॉक टेस्ट की टाइमिंग दोस्तों सुबह 10 बजे से रात के 11:59 तक होगी, और मॉक टेस्ट दोस्तों मल्टीपल टाइम्स भी आप दे सकते हैं, आई थिंक अभी कंफर्म नहीं है मुझे,
लेकिन मॉक टेस्ट जब होते हैं दोस्तों तो एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं, ऐसा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी ऐसा ही होगा कि आप चाहें तो एक से ज़्यादा बार दे सकते हैं। तो कल के मॉक टेस्ट के लिए भी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जो 19th और 20th में आपके अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए भी मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक दोस्तों। रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करिए, जितने ज़्यादा ज़्यादा MCQs पर टिक करते जाएं उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की किसी नई वीडियो में।